हेलो सर, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग सर। सर ये कह रहे गुड हैं मॉर्निंग। कि साइकिल मतलब कैंसिल हुई है क्या थी? हाँ बेटा, क्विज कैंसिल हो गए। हाँ, ओके सर। एक्चुअल में एकेपीओ ने कुछ पेपर प्री फोन कर दिया ना, तो इसकी वजह से जो प्री एंड है वो तुम्हारा जल्दी से ड्यू हो गया। पहले प्री एंड तुम्हारा 9 अगस्त को था, हाँ प्रियन सर, तुम्हारा 26 जुलाई से। बट सर हम लोग का पेपर लास्ट तक गया है। हाँ अच्छा, तुम लोगों का वो मतलब एंड सेमेस्टर पेपर। सर, 9 सितंबर तक गया लास्ट पेपर। नहीं, हाँ 9 सितंबर तक ही गया। सभी के स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किया कि हाँ, कैसे हम एनालॉग मॉड्यूलेशन करा सकते हैं। मैंने देखा कि कैसे, क्यों हमें एनालॉग मॉड्यूलेशन की नीड हुई। उसके बाद हमने देखा कि हाँ भाई, कि कैसे हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल सॉरी कैसे हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां कई हमको एडवांटेजेस भी दिखाई दिए। एक मेजर एडवांटेज था कि भाई, नॉइस का जो इफेक्ट था वो काफी कम था, लेकिन साथ ही साथ एक डिसएडवांटेज भी था कि ठीक है, तुम्हारी जो नॉइस था उसका इफेक्ट कम हो रहा था, और उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, रीजनरेटिव रिपीटर्स यूज कर रहे थे। अब ये जो रीजनरेटिव रिपीटर्स थे, इनका प्रोसीजर कुछ इस तरह से था कि हाँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, जहां एक कैलकुलेशन करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ भाई, नॉइस का इफेक्ट यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो एरर क्रिएट कर सकता है, तो उस डिस्टेंस के बाद आपको रीजनरेटिव रिपीटर लगाना पड़ता था, कि तभी नॉइस का जो जो एडवांटेज हमें नॉइस के रिस्पेक्ट में मिल रहा था, तभी वो एडवांटेज हमें मिल पा रहा था। वैसे कि अगर यही रीजनरेटिव रिपीटर हमें एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लगाने पड़े, एक काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हमें ये रीजनरेटिव रिपीटर लगाने पड़े, तो हमारी जो कॉस्ट होगी कम्युनिकेशन की, वो कॉस्ट हमारी इंक्रीज करती जाएगी, वो कॉस्ट हमारी इंक्रीज करती जाए। और वो कॉस्ट इंक्रीज ना हो, उसके लिए हम क्या चाहेंगे, कुछ और ऐसा तरीका निकालें ताकि हम इजिली
डिजिटल मॉड्यूलेशन भी हम परफॉर्म कर सके, ठीक है, मतलब डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन भी हम करा सके, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो जाए ताकि हम जो नॉइस का इफेक्ट है वो भी कम कर सके, और ये जो रीजनरेटिव रिपीटर की वजह से कॉस्ट इनहेंसमेंट हो रहा है वो कॉस्ट में इंक्रीज ना हो, ठीक। उसके लिए हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम डिजिटल सिग्नल्स का, जो ये डिजिटल सिग्नल हमने जनरेट किए हैं, इन डिजिटल सिग्नल का मॉड्यूलेशन कराएं, ठीक, और उस मॉड्यूलेशन को करा के तब उन्हें हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करें। तो मेन रीजन जो डिजिटल सिग्नल के मॉड्यूलेशन का था वो क्या था, हाई डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको ट्रांसमिट करना। उसके लिए जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कराते हैं तो हम बेसिकली जो करियर यूज करते हैं वो एक एनालॉग सिग्नल होता है, ठीक, एक एनालॉग करियर सिग्नल हम यूज करते हैं। ठीक है, ये जो एनालॉग करियर सिग्नल है इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो या फेस हो, इन पैरामीटर्स को मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में हम वेरी कराते हैं, मीनिंग मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इन पैरामीटर्स में कैरी करा देते हैं, ठीक। इंफॉर्मेशन कैरी करना कैसे कैरी कर रहा है, अपने आप को उसी मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, ठीक, मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में जब ये कोई पैरामीटर जब वेरी कर रहा है, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि हाँ वो पैरामीटर मेरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, ठीक। अब ये पैरामीटर कौन कौन सकते हो सकते हैं, जैसा अभी हम एनालॉग मॉड्यूलेशन में देखते हैं, एम्पलीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फेस हो सकता है। यहां पर भी जो हमने करियर लिया है वो तुम्हारा हाई फ्रिक्वेंसी करियर है, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन कर सके। अब यहां जब एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होंगे, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मैसेज एम्पलीट्यूड, तो हम उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट चेंज, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड शिफ्ट चेंज। नेक्स्ट, अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, मतलब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ करियर सिग्नल की अगर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा कर्सर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि हम कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं? सर पता नहीं चल रहा है। बताना तो होता है ना कि सर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है। अभी कर्सर दिख रहा है? यस सर। जब फ्रीक्वेंसी में हम वेरिएशन करा रहे हैं, ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल हम उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, ठीक। ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, वहां पे जो मैसेज सिग्नल था वो एनालॉग था जिसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करा रहे हो, यहाँ पे वही सिग्नल डिजिटल हो,
दोस्तों क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्यों। इसी तरह से अगर फेस में वेरिएशन करा रहे हो तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस शिफ्ट कीन। और अगर एम्पलीट्यूड और फेस इन दोनों में वेरिएशन एक साथ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एक एक लाइन चाहो तो लिख लो। एएसके के केस में एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल वेरीज विथ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। इसी तरह से FST के लिए लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ करियर सिग्नल वेरीज विथ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। PSK फेज ऑफ करियर सिग्नल फेज ऑफ करियर सिग्नल वेरीज विद एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। एंड लास्ट QAM both amplitude and phase, both amplitude and phase varies with amplitude of message signal. तो सबसे पहला मॉड्यूलेशन जो हमें देखना है वो क्या है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट के। सबसे पहले ये समझना है कि देखो डिजिटल सिग्नल जो होगा वो या तो वन होगा या जीरो होगा, ठीक। मीनिंग एक बाइनरी सीक्वेंस होगी 1010 के फॉर्म में। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई डिजिटल सिग्नल जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो प्रॉपर इनकोडिंग करके तब ट्रांसमिट करते हैं, ठीक। मीनिंग एक एनालॉग सिग्नल लेते हैं, उसकी सैंपलिंग कराते हैं, सैंपलिंग के बाद फिर उसका क्वांटाइजेशन कराते हैं, क्वांटाइजेशन के बाद इनकोडिंग कराते हैं और तब उसे हम ट्रांसमिट करते हैं। इवन एक पॉइंट तुमने एक टर्म नहीं पढ़ा है, लाइन कोडिंग। ठीक है, किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूट में इस पॉइंट को डिस्कस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे एक दो पॉइंट आ जाए। तो ध्यान भी रखना, एक साथ कोशिश करेंगे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको कर लिया जाए, ठीक है। एक टर्म ये भी है लाइन कोडिंग। इन जनरल तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन हाँ आने की चांसेस। बेसिकली 1010 फॉर्म में जो मेरा बाइनरी इनकोडेड सिग्नल है, इसको हम ऐसे नहीं भेजते कि हाँ 1010 भेज रहे हैं, नहीं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यानी वन के रिस्पेक्ट में हम कुछ ना कुछ वोल्टेज असाइन करते हैं, उसी तरह से जीरो के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वोल्टेज असाइन करते हैं, और ये जो 10 यानी बाइनरी कोड को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज असाइन करने का काम है ना, उसी को बेसिकली हम लाइन कोडिंग बोलते हैं। और यही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, सबके अपनी प्रॉपर्टीज है, तो वही तुमको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइन कोडिंग देखनी है। तो इन जनरल मेरे पास ये मैसेज सिग्नल है, ये उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है एक पल्स, जिसमें वन के लिए हमने प्लस फाइव लिया है और जीरो के लिए हमने जीरो वोल्ट लिया। ठीक, ये कैसा सिग्नल है? एक डिजिटल सिग्नल है। इस डिजिटल सिग्नल की बिट ड्यूरेशन कितनी है? तो ये कितनी बिट ड्यूरेशन? टीबी, जीरो से लेके टीबी। ठीक है, टीबी टीबी बिट ड्यूरेशन है, मीनिंग एक बिट कितने टाइम तक के लिए रहेगी? टीबी टाइम के लिए। अभी टीबी 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड हो सकता है। अब जब हमें इस सिग्नल को मॉड्यूलेट कराना है इस करियर सिग्नल से, ये मेरा एक साइनोसॉइडल करियर सिग्नल है एसी, साइन या कॉस, ठीक है, एसी कॉस ओमेगा, ये एक साइनोसॉइडल करियर सिग्नल है। अब जब हमें इन दोनों को मॉड्यूलेट कराना हो, इस करियर सिग्नल में इस मैसेज की इंफॉर्मेशन कैरी करानी होगी, तो हम क्या करेंगे? मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करा देंगे करियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल को करियर सिग्नल में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब उससे क्या होगा कि भाई, उससे बेसिकली ये होगा कि जब तुम्हारा 1 जा रहा है, बाइनरी डेटा 1, बाइनरी डिजिट 1 ट्रांसमिट हो रही, तब करियर सिग्नल ट्रांसमिट होगा, और जब 0 जा रहा है तो करियर सिग्नल नहीं ट्रांसमिट होगा। इसी 4-4 वाले अगर यहाँ पे है तो वो जान रहे होंगे, हम लोग लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने लैब की थी तब भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो किस तरह से होगा, तुम्हारा 0 के लिए सिग्नल नहीं जाएगा और 1 के लिए सिग्नल ट्रांसमिट। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखते हैं कि ये जो बिट ड्यूरेशन, ये बिट ड्यूरेशन कुछ इस तरह से ली जाती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो इस बिट ड्यूरेशन में, नंबर ऑफ साइकिल जो एग्जिस्ट करे, सॉरी यहां करेक्शन है, इस करियर सिग्नल की करियर फ्रीक्वेंसी इस तरह से ली जाती है, इस करियर सिग्नल की जो करियर सिग्नल है, इसकी जो ये करियर फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरह से सेलेक्ट की जाती है कि विद इन दिस बिट ड्यूरेशन, मीनिंग 0 से टीबी टाइम में हमेशा कंप्लीट साइकल्स दिखाई दे, हमेशा नंबर ऑफ कंप्लीट साइकल्स ही दिखाई दे, मीनिंग या तो इस ड्यूरेशन में 0 से टीबी ड्यूरेशन में या तो 2 साइकल्स, 2 कंप्लीट साइकल, 3 कंप्लीट साइकल, 4 कंप्लीट साइकल, 8 कंप्लीट साइकल, ऐसा ना हो कि 8.5 कंप्लीट साइकिल दिखाई दे रहे, 7.5 कंप्लीट साइकिल दिखाई दे, तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज का हम ध्यान रखते हैं जब हम करियर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं इस मैसेज, इस करियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन, करियर फ्रीक्वेंसी का जो सिलेक्शन है वो मैसेज सिग्नल के बिट ड्यूरेशन पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? TV is equal to NTC,
या FC is equal to N upon TB. हमारे पास मैसेज सिग्नल है, उसका हम बिट ड्यूरेशन देखते हैं, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही हम करियर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं. एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं. अब यहां पे इसे ध्यान से देखो, तो ये जो सिग्नल था बिफोर मॉड्यूलेशन, बिफोर मॉड्यूलेशन ये सिग्नल था डिजिटल, आफ्टर मॉड्यूलेशन ये सिग्नल हो गया है एनालॉग. तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट की इनको हम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो पहले. ये अच्छा, ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करना भूल गए. देखो यहां जो जब अब वन ट्रांसमिट हो रहा है और जब जीरो ट्रांसमिट हो रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सिग्नल्स हैं जहां से भी ट्रांसमिट हो रहा है, जीरो से टीपी टाइम के लिए स्विच ऑन है तो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, फिर स्विच ऑफ हो गया तो सिग्नल बंद हो गया आना, फिर स्विच ऑन हुआ सिग्नल आने लगा, फिर स्विच ऑफ हुआ सिग्नल बंद हो गया. इसी वजह से हम ASK मॉड्यूलेशन को ऑन ऑफ मॉड्यूलेशन या ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं, ठीक. ये ASK की डेफिनेशन है, क्या है कि भाई यहां पे जो करियर का एम्पलीट्यूड होता है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में वेरी करता है. यहां पे जब हमें बाइनरी वन ट्रांसमिट कर तो हम करियर की प्रेजेंस दिखाते हैं, यानी करियर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मीनिंग हमने मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल में अगर करियर एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस वहां पे वन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक. और अगर बाइनरी जीरो ट्रांसमिट करना है तो उस केस में करियर को ट्रांसमिट हम नहीं करते, एब्सेंस ऑफ करियर से मिल जाती है. इन चारों पॉइंट में किसी भी तरह कोई दिक्कत, नहीं सर. एक पॉइंट ये और लिख लो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन एएस के करियर फ्रीक्वेंसी टेकन such that in ASK career frequency is taken such that career will have number of complete cycle in the interval of TB, number of complete cycles in the interval of TB. Now, जैसा हमने बताया कि ASK modulator काफी हद तक similar है जैसे तुमने अभी analog modulation में amplitude modulation देखा, तो इसका generation भी कुछ इसी तरह से. ये इवन हमने जो ये इक्वेशन देखी यहाँ पे ST is equal to MD into CT, इसी से हमें क्लियर हो गया था कि यही सेम इसी तरह की तो इक्वेशन थी
जब हम लोगों ने डीएसबीएससी पढ़ा था, डीएसबीएससी में तो हम यही इक्वेशन लिखते हैं, मैच सिग्नल मल्टीप्लाई करिए सिग्नल, बस चेंजेस क्या है, वहां मैसेज सिग्नल एनालॉग था, यहाँ मैसेज सिग्नल डिजिटल है ना। तो जनरेशन भी इसका जो होगा, एएसके का जो ट्रांसमीटर होगा, उसमें हमें बेसिकली नीडेड होगा एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी सर्किट जो क्या कर सके, अपने इनपुट पे आने वाले दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन हमको प्रोवाइड कर सके। इस मैसेज सिग्नल का हमें मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड कर सके, यानी एसटी प्रोवाइड कर सके। और एसटी की डेफिनेशन क्या है कि एसटी इज इक्वल टू एसी कॉस ओमेगा सीटी होगा जब एमटी इज इक्वल टू वन है, यानी बाइनरी वन ट्रांसमिट हो रहा है, और एसटी इज इक्वल टू जीरो होगा जब बाइनरी जीरो ट्रांसमिट। अब अगर इसके रिसेप्शन को देखो कि रिसीवर इसका कैसे काम करता है, तो ध्यान से देखो कि रिसीवर भी एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा तुमने डीएसबीएससी का रिसीवर पढ़ा था। एक पार्ट चेंज है, वो है ये थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। जब एएसके डीमॉड्यूलेशन करा है, तो जैसे हमने ध्यान करो कोहरेंट डिटेक्टर पढ़ा था डीएसबीएससी के केस में, वहां पे भी ऐसा ही था कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो एज ए इनपुट देते थे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में, और दूसरी साइड से एक लोकल ऑसिलेटर यूज करते हैं, फिर दूसरी साइड से एक लोकल ऑसिलेटर यूज करते हैं, ठीक, और आउटपुट में क्या मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आउटपुट में क्या मिलता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब S1T ने क्या शो किया, जब बाइनरी वन ट्रांसमिट होगा, S2T क्या शो कर रहा है, जब बाइनरी जीरो ट्रांसमिट होगा। तो जब S1T आ रहा होगा, बाइनरी वन आ रहा होगा, तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट क्या होगा, एसी कॉस ओमेगा सीटी मल्टीप्लाई बाई एसी कॉस 2πfct या ओमेगा सीटी, दोनों को ही ओमेगा सीटी रख लो, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, ओमेगा सीटी लिखो या 2πfct लिखो। तब आउटपुट क्या आएगा, एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी, और जब जीरो आ रहा है तो क्या आएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाई एसी कॉस ओमेगा सीटी, तो वो आ जाएगा जीरो। उसके बाद हमने क्या लगा रखा है, लो पास फिल्टर, हमने क्या लगाया है, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या करेगा, जीरो से एफएम तक, यानी मैसेज फ्रीक्वेंसी जो रही होगी उस तक के सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। ये कहें कि लो पास फिल्टर काफी लोअर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। और ओमेगा सी काफी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये हमें पता है, है ना। अब अगर हम एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी को देखें, तो हम ज्यादा एम्फोसिस इसलिए नहीं कर रहे, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं,
एसी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी को अगर हम देखें तो हम कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉस टू ओमेगा सीटी बाय टू। यानी ये जो टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एसी स्क्वायर वन प्लस कॉस टू ओमेगा सीटी बाय टू। अब हमें क्लियर कट पता है कि यहां से जो डीसी टर्म है यानी एसी स्क्वायर बाय टू वो तो लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा, लेकिन एसी स्क्वायर कॉस टू ओमेगा सीटी जो है वो लो पास फिल्टर में ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी का टाइम है। इसी एसी को क्या लिखा है हमने, एसी स्क्वायर बाय टू प्लस एसी स्क्वायर बाय टू कॉस टू ओमेगा सीटी। तो ये टर्म ब्लॉक हो जाएगा और ये टर्म पास होगा। यहां तक ये सिमिलर था डिटेक्शन डीएसबी एससी जैसे, बट यहां पे हमने एक नया आइटम लगाया हुआ है, ये है थ्रेशोल्ड डिटेक्टर। तो पहले तो ये समझना है कि थ्रेशोल्ड डिटेक्टर काम कैसे करता है। देखो थ्रेशोल्ड डिटेक्टर में हम पहले से ही कुछ एक इनपुट वोल्टेज दे देते हैं, मान लो कि हमने एक थ्रेशोल्ड डिटेक्टर था, हमने उसको 5 वोल्ट, ठीक 5 वोल्ट का वोल्टेज पहले से डिफाइन कर दिया। अब थ्रेशोल्ड डिटेक्टर क्या करें और इस 5 वोल्ट को क्या बोलते हैं कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। यानी थ्रेशोल्ड डिटेक्टर में सबसे पहले काम क्या किया हमने, थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन कर दिया, ठीक लेस देन 5 वोल्ट। नाउ अब इस थ्रेशोल्ड डिटेक्टर में क्या लगा होता है, एक कंपैरेटर लगा होता है। ठीक, आई थिंक अभी तक एनालॉग सर्किट में ऑप एम्प बेस्ड कंपैरेटर पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा कि कैसे कंपैरेटर काम करता है। कंपैरेटर का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर इनपुट से चीजों को कंपेयर करता है। ठीक, तो कंपैरेटर के एक इनपुट पे हम फिक्स कर देते हैं VGS इज इक्वल टू 5 वोल्ट। फिर उसके बाद क्या है, जो भी यहाँ पे इनपुट आ रहा, जो भी यहाँ पे इनपुट आ रहा है, मेरा डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर में लगा कंपैरेटर क्या करता है, उस इनपुट को कंपेयर करता है इस VTH से, इस इनपुट को कंपेयर करता है इस VTH से। ये 5 वोल्ट जो है वो केवल अजम्पशन है, इसको ये मत मान लेना कि हाँ यही यही वो वोल्टेज है, ठीक है ना। तो हमारा कंपैरेटर क्या करेगा, इस VTH को और इनपुट को कंपेयर करेगा। अब अगर इनपुट ग्रेटर, या तो इनपुट ग्रेटर देन VTH हो सकता है या इनपुट लेस देन VTH हो सकता है या इनपुट इक्वल टू VTH हो सकता है। ठीक, तो इन सारे के, इन तीनों केसेस में आउटपुट क्या देना है ये भी हम डिटेक्टर को डिफाइन कर देते हैं कि अगर इनपुट ग्रेटर देन VTH है, अगर इनपुट जो है ग्रेटर देन VTH आ रही है तो आउटपुट में दो बाइनरी 1, अगर इनपुट लेस देन VTH है तो आउटपुट में क्या दो बाइनरी 0, अगर इनपुट इक्वल टू VTH आ गया तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिक्कत है बड़ी। ठीक है, तो अब 0 या 1 में से कुछ भी दे दो, क्योंकि एग्जैक्ट 0 है या 1 है ये पता कर पाना अब कंपैरेटर के बस की बात नहीं, अगर इक्वल आ गया तो। ये समझ में आया कि थ्रेशोल्ड डिटेक्टर कैसे काम कर रहा है। यस सर। ठीक,
तो यहाँ पे हमने एक थ्रेशोल्ड डिटेक्टर लगाया है, वो क्या करेगा, इस एसी स्क्वायर बाय टू या जीरो, इन दोनों वैल्यूज को, वही वैल्यूज यहाँ पे ऐसा इनपुट आएंगे थ्रेशोल्ड डिटेक्टर में, या जब वन आ रहा होगा तो थ्रेशोल्ड डिटेक्टर के इनपुट पे क्या आएगा, एसी स्क्वायर बाय टू, अगर जीरो आया होगा तो एसी तो थ्रेशोल्ड डिटेक्टर के इनपुट पे क्या आएगा, ये जीरो वोल्ट। इन दोनों को ही हमने वी इन लिख लिया है, ठीक है, या वी इन की वैल्यू या तो एसी स्क्वायर बाय टू होगी या जीरो होगी। तो यहाँ पे इनपुट हमने क्या शो कर दिया, वी इन। और अगर ये वी इन लेस देन है वीटीएस से तो हमें आउटपुट में मिलेगा बाइनरी जीरो, अगर ये वी इन ग्रेटर देन है वीटीएस से तो हमें आउटपुट में मिलेगा बाइनरी वन। अब एक पॉइंट याद करो, जब भी हमने जिस तरह पे भी हमने कोहेरेंट डिटेक्टर बताया, चाहे वो एसएसबीएससी में हो डीएसबीएससी में हो, तुम्हें एक इफेक्ट भी बताया था कि अगर प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो एक इफेक्ट अकर करेगा जिसको हमने क्या बोला, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। वो कब अकर करता है, जब जो करियर सिग्नल यहाँ पे लोकल करियर सिग्नल तुम जनरेट करो वो कुछ फेज डिफरेंस हो उनमें, और जो इनपुट में यानी ट्रांसमीटर साइड पे जो सिग्नल यूज किया गया करियर सिग्नल उसमें और यहाँ पे जो तुमने करियर सिग्नल बनाया उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो, तो उस फेज डिफरेंस की वजह से क्वाड्रेचर नल इफेक्ट अकर करता है। क्वाड्रेचर नल इफेक्ट क्या है, जब वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए उसकी वजह से तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से लॉस हो जाए। इन केस ऑफ एएसके क्वाड्रेचर नल इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। सभी लोग क्लास को रिजॉइन कर लेंगे।